हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं इधर ही अपने कैफ़े के पास में खड़ी हूँ। आज थोड़ी सी उदास हूँ और आज सुबह सुबह से मेरे साथ में ना बुरा ही होता जा रहा है। आज मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे घर के आगे एक छोटा सा पपी घायल पड़ा हुआ था। मैंने बचाने की उसको बहुत कोशिश की बट वो ना बच नहीं पाया। मतलब 15-20 मिनट में उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको मैं दबा के आई हूँ। पता नहीं उसको किसी ने पॉइजन दिया है कि क्या हुआ उसके। जब मैं गैलरी में निकली थी तो नीचे बात कर रहे थे कि ये मर गया है, तो देखा कि उसके मुंह से ना झाग झाग निकल रही थी, तो गई मैं उसको अपने नीचे गैलरी में लेके आई, उसको दबाया अच्छे से पर वो बच ही नहीं पाया। हेलो भैया, बस बुलाया है भैया, अभी 5-10 मिनट में आते होंगे। तो अभी एक और घटना और हो गई कि यहाँ पे एक डॉग है, वो इतनी बुरी कंडीशन में है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप 15-20 फीट दूर बैठे हो ना, इतनी गंदी बदबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। तो क्योंकि मैं खुद तो उसको रेस्क्यू नहीं कर पाऊँगी अकेले, क्योंकि वो भागता जा रहा है। देखो इधर ही अभी गाड़ी के नीचे, मैं जूम करके दिखाती हूँ, दिख भी नहीं रहा है, गाड़ी के नीचे सोया हुआ है। तो मैं उसी को देख रही हूँ और जैसे तैसे मैंने रेस्क्यू वालों का नंबर लिया है, डॉग रेस्क्यू वालों, बहुत सारे रेस्क्यू वालों को फ़ोन करा, तो एक बाय चांस लगा है। अभी उन्होंने कहा है कि 10-15 मिनट में हम लोग आते हैं रेस्क्यू के लिए। अब वही वेट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये भाग ना जाए। अगर ये भाग गया ना तो लिटरली ये मतलब कि आज या कल में डेथ हो जाएगी इसकी, मर जाएगा ये भी। तो इंसानियत के नाते बस यही सोच रही थी कि अगर आ जाते हैं रेस्क्यू वाले ले जाएंगे तो ये बच जाएगा। अभी वो चलने की कंडीशन में है, अगर वो आज रात कल तक रेस्क्यू नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। फिर वही मैं कोशिश कर रही हूँ, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि 10 मिनट में हम लोग आते हैं, तो वही वेट कर रही थी। मैंने लोकेशन उनको भेजा था अपना, वही मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। पता नहीं क्या ही हो गया था इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो ये कार से हिट हुआ है, या जैसे आपस में डॉग लड़ते हैं ऐसे करके इंजर्ड हो गया। और उनका भी डॉग रेस्क्यू वालों का थैंक गॉड फ़ोन आया है। उन्होंने कहा है कि अभी 10 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं आप लोगों के पास में। ड्राइवर को भेज दिया है, टीम को भेज दिया है, तो देखते हैं इसको रेस्क्यू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। भाग ना जाए बस, अगर ये भागा तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क होएगा। आ तो जाए वो लोग पहले। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ क्योंकि पास जाने में ना बिल्कुल ही बहुत स्मेल आ रही है, क्योंकि वही रेस्क्यू कर पाएंगे। अभी बिल्कुल इसके पास नहीं जाएंगे, छेड़ेंगे नहीं इसको। अगर इसको छेड़ा ना तो इसने भाग जाना है यहाँ से। और ये गली भी ठीक है कि आगे को कहीं निकल नहीं पाएगा ना ये। मेरे साथ में ऐसे ऐसे केस होते रहते हैं ना, अगर मैं देख लेती हूँ मेरे से फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि ऐसे ही देख के आप अवॉइड करके निकल लो, वो चीज़ मुझसे हो नहीं पाती। आज जैसे ही मैं शॉप पे पहुँची, शॉप के जस्ट 2-3 शॉप के बगल में गैलरी के नीचे ये लेटा हुआ था। मैं कहा स्मेल सी आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है स्मेल। देखा तो इतनी घायल हालत में पड़ा हुआ है, बहुत ही बुरी हालत में, आँखें खुल रही है और बिल्कुल लड़खड़ा के चल रहा है बेचारा। और उसने खाया भी नहीं होगा मेरे को लग रहा है, इतने दिनों में उसको किसी ने खाना भी नहीं दिया होगा। ऑब्वियस ही बात है, जो भी देखेगा तो वही ये लोग भगा देते। डॉग को हम लोगों ने रेस्क्यू करा लिया है, रेस्क्यू वाले आ गए थे, अब उसको उठा के लेके गए हैं और देखते हैं कितने दिनों बाद वो ठीक होता है। रेस्क्यू करके हम लोगों ने कहा कि उसका जब जख्म ठीक हो जाए तो आप लोग यहीं पर इसको रिलीज़ कर देना। देखते हैं, फ़ोन भी मैंने दोबारा करा है उन लोगों को कि आप अच्छे से ठीक करके इसको प्लीज़ आप तभी रिलीज़ कीजिएगा, ऐसे मत छोड़िएगा। तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग इसको बिल्कुल ठीक करके उसके बाद ही रिलीज़ करेंगे। अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई है कि चलो माता रानी उसको ठीक करें, अच्छा स्वस्थ हो जाए।
अभी मैं अब अपने कैफे में आ गई हूँ। हम लोग बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं। हेलो हाय तो बोल दो। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? पायल ने बहुत ही अच्छा काम किया, माता रानी पायल को क्या दे बस माता रानी ने देखा क्या दे दे। देखो यार, जो हम लोगों से बन पाता है वो करते रहेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, बन पाता हम सब नहीं हो पाता। किससे बेटे, ये इन सब चीजों की ना इतनी दुआएं मिलती हैं, इंसान की आप हेल्प करोगे ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, बेजुबान हो। बेजुबान ठीक है। ये महाराज जी अब नीचे बैठ गए हैं, खाना खाने जा रहे हैं। क्या करें, टाइम नहीं मिलता तो अभी सुबह से अभी फुर्सत मिली है तो हमने सोचा खाना खाए। पायल को खाना खाने नहीं दे रही, कह रही मैं डॉग्स के लिए नहीं खाऊंगी। मैं थोड़ा ना लेट हो गई थी तो मैंने देखा उसको, डॉग को देखा, मैं कहा यार ये तो बहुत बुरी हालत में है, तो पहले उसका रेस्क्यू करा लिया, फिर मैं कहा मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो बस अभी आई हूँ मैं, तो बस खाना वाना खाएंगे फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बाहर रोड इतनी ख़राब हो रखी है, कस्टमर तो अभी कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि रेत वगैरह बहुत उड़ रही है, बाहर रोड बन जाएगी तभी कुछ बन पाएगा। हाँ जी, हाँ है इडली। क्यों, क्या हो गया? ठीक है, एक मिनट। कोई कस्टमर आए थे पूछने इडली कितने रुपए की है, तो मैं वही बता के आई हूँ। मेरा चश्मा मैं देख रही हूँ इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये एक्सचेंज ऊपर नहीं लगाया आपने? लेट जाओगे आप। सही बात है, जब से आप यहाँ पे शुरू कराया आपने आना, वे रात में 10 बजे जाते हैं, चाहे कुछ भी। 12 बजे सोते हैं हम लोग रोज रात में। 12 बजे तो सोते हैं ना, यहाँ से तो 10:30 बजे तक जाते हैं। 11 बजे जाते हैं, 10:30 क्लोजिंग करना, फिर बर्तन नीचे रखना। हाँ क्या कह रहे? क्या कह रही क्या कह रही आंटी? तो ठीक है, तो ये वो कर दो ना, ये ऑयल में कर दें। चटनी दे रहे ना दोनों डाल के। ये हाफ वाली, या तो इसी में डाल देना ना, साइड में चटनी भी इसी में डाल दे। अभी बस हम लोग थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं कि अगर कोई कस्टमर आता है तो सर्व कर पाए। ये हम लोगों ने थोड़ी सी पैटीज ली है आज, वेजिटेबल वाली पैटीज, वेज पफ कहते हैं इसको। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ बनाने जा रही हूँ, रेडी करके रख देते हैं। किधर बैठे थे? कहाँ पे? मैं बेलता हूँ। नहीं, मैं बेलती हूँ। मैं बेलता हूँ, तुम भरती आओ ना। मैं पहले बताऊँगी कि कैसे बेलना, कितना बेलना। हाँ तो बताती हो ना, बगल में बैठ जाओ, वो ले लो। क्या चीज? अखबार डाल दो, ये बेलना है ना। हाँ उसको अखबार को पड़ा रहने दो, मैं आटा दे देती हूँ आपको। आटा वाले बना, मैदा वाले? आटा मैदा सब पड़ा है यार, आटा थोड़ा सा ना फ्रिज में हो गया होगा। ये इसको तो बेलना है। हाँ इसको हटाना है? नहीं इसको हटा दो, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे सूख गया होगा। आज मैंने इनको कहा है कि आप भी मेरे साथ में मोमोज बनाओ आज। वो देखना, मैंने एक नैपकिन टांगा हुआ है, वो ले गया ना। कहाँ पे? पिलर के ऊपर टंगा हुआ, धो गया। पिलर के ऊपर? हाँ धो गया था ना। सुनील कहाँ चला गया? सुनील को मैंने बोला बाहर बैठे हो। ले लो, बाहर कोई तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, इसको इधर साइड कर दो ना, मैं फिर अभी स्टफिंग वो करूँगी ना उसको। सो गाइस, अभी हम लोग पहले बना लेते हैं फटाफट, फिर बात करते हैं बैठ के।
खा दो ना गाइस। मैं आज ना ब्लॉग एंड करना ही भूल गई थी, मैं बस मैं भी भूल गया था। लिटरली हम दोनों सोने ही वाले थे, मैं और एरिक। मैं थोड़ा कैफे में बिजी हो गई थी, ऑर्डर आ गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ब्लॉग भी एंड करना है, आप लोगों को भी बाय बाय करना है। आर्यन को भी थोड़ा सा खांसी है, मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में सब भूल गया, बलगम हो गया, बलगम हो गया एरिक को भाई। चलो गाइस फिर गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय। निंदू आ रहा मम्मी को, बाय बाय कर दो, बाय।